हेलो एवरीवन, ये आज मैं आपको जो ये वीडियो करवाने वाली हूँ, इस वीडियो में ये आपको मैग्नेटिज्म का मैं सेकेंड पार्ट करवाऊंगी। इससे जो फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करवाया था मैग्नेटिज्म का, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एज यू ऑल नो कि अभी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं मिड टर्म के, तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वन मार्कर क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन रीजन, बहुत सारे कंसेप्ट से आने वाले हैं। सो अगर आपको डाउट है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, कौन से क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था मैग्नेटिज्म का, वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। अब जो उसमें क्वेश्चंस बच गए थे, ये उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। नाउ ये क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म, उसके ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब एक जो क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, सबसे पहली चीज़ होता क्या है, ये स्ट्रेंथ होता है किसी मैग्नेटिक किसी मैग्नेट की स्ट्रेंथ है या फिर उसकी ओरिएंटेशन है। और इसके अलावा इसको जो डिनोट किया जाता है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो है टाओ इज इक्वल टू एम इन टू बी। एम की जगह बहुत जगह आपको स्मॉल पी भी देखने को मिल सकता है, तो दोनों फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसकी एसआई यूनिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल अपॉन टेस्ला, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या था आपके पास, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है किसी भी मैग्नेट के। जैसे सपोज ये आपके पास मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। यहाँ पे जब भी मैं मैग्नेट बोलूंगी आपको बार मैग्नेट ध्यान में रखना है, मैंने उसी के एग्जांपल से अभी तक के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। सो जो बार मैग्नेट है उसमें दो पोल्स हो गए, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। तो जो उसके साउथ से नॉर्थ पोल की साइड जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो जाता है, तो उसको हम उसकी डायरेक्शन कहते हैं। देखिए साउथ से नॉर्थ पोल में मैग्नेट की जो डायरेक्शन है, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट होती है। सो ये डायपोल मोमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है, ये इसकी एसआई यूनिट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेट इज ब्रोकन इंटू टू पीसेस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड इन ईच पार्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन है जैसे कि एक मैग्नेट है, सपोज ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसको अगर मैंने दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया या तोड़ दिया, तो जो हमारे पास दो पार्ट्स निकलेंगे, जैसे सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल है, एक साइड इसका साउथ पोल है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करूं तो सोचने को आप ये भी सोच सकते हैं कि एक साइड साउथ पोल रह गया, एक साइड नॉर्थ पोल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, चाहे उसको कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, उसके दो पोल्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। पहली चीज तो ये क्लियर हुई होगी आपको यहाँ से कि जो मैग्नेट है उसको अगर दो पीसेस में ब्रेक किया तो हमारे पास दो पार्ट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरा ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल हो गया यहाँ पे और ये साउथ पोल हो गया। सॉरी ये चौक की ना कुछ ज्यादा वॉइस आ रही होगी आपको। जब इसको आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे दो सेपरेट सेपरेट मैग्नेट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज इन द ईच पार्ट। अब जो आपको थ्री पॉइंट्स दे रखे हैं, इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी अनचेंज रहेगी जो अगर मैग्नेट को दो पार्ट्स में आपने ब्रेक कर दिया। सबसे पहला है मास, सेकेंड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड थर्ड वन इज मैग्नेटाइजेशन। अब क्वेश्चन है कि इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कौन सी वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो अनचेंज होने वाली है ईच पार्ट में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अनचेंज कौन सी होगी। सो इसका आंसर होगा मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेट पोलराइजेशन दोनों सेम चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है, कोई जो सब्सटेंस होता है, कोई भी जो सब्सटेंस है उसको मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है। अब वो परमानेंटली भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा मैग्नेटाइजेशन। अगेन मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, इफ द मैग्नेट इज ब्रोकन इन टू टू पीसेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज इन ईच पार्ट, तो इसका आंसर होगा मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ठीक है, किसने सबसे पहले ये चीज डिस्कवर की थी या बताया था कि जो अर्थ्स मैग्नेटिज्म है, ठीक है। सो इसका आंसर है विलियम गिलबर्ट। जो हमारा चैप्टर है ना मैग्नेटिज्म, इसमें यही है कि मैग्नेट के बारे में तो बात कर रहे हैं लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे किसी मटेरियल को
मैग्नेट बनाया जा सकता है, किस तरीके से इसको नहीं बनाया जा सकता। अब सो जो विलियम गिलबर्ट है, इन्होंने सबसे पहले ये चीज डिस्कवर करी कि जो अर्थ मैग्नेटिज्म है इसके बारे में इन्होंने विलियम गिलबर्ट ने बताया। अब इसमें और पॉइंट्स भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे। उसके अलावा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इन्होंने 1600 में, मतलब जो ईयर भी अगर आपको मेंशन करना हो तो वो था 1600, जिसमें 1600 में इन्होंने ये चीज बताई थी कि जो अर्थ है ना वो अपने आप में ही एक मैग्नेट नहीं थी। इसके अलावा इन्होंने ये भी चीज बताई थी कि जो मैग्नेट होता है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी सब्सटेंस ना उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, अगर आयरन को हीट किया जाए तो वो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खो जाती है, कम हो जाती है। सो ये विलियम गिलबर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बट इसमें जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तो आंसर सिर्फ इतना ही है, हु फर्स्ट डिस्कवर अर्थ मैग्नेटिज्म, किसने डिस्कवर किया था अर्थ मैग्नेटिज्म सबसे पहले। सो आंसर विल बी विलियम गिलबर्ट। अभी तक जितने भी आपने साइंटिस्ट देखे होंगे, सबसे प्यारा नाम है, सबसे इजी से स्पेलिंग है, इसको तो पक्का पक्का लर्न कर लेना, विलियम गिलबर्ट, ठीक है। सो ये मैग्नेटाइजेशन के, मैग्नेटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद में जो इसका थर्ड पार्ट आने वाला है ना, उसमें मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी इस चैप्टर का, वो है एंगल ऑफ डिप। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं इसको डीप में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है तो इस वीडियो को जब तक बहुत ही ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।